जब से हीटर आ गया है फ्रेंड्स कल से तो इसकी नींद और ज्यादा होने लगी है। चलो, धूप निकली नहीं निकली? धूप नहीं निकली। उठते साथ हीटर के सामने इतना देर कर करने के बाद फ्रेंड्स 11:30 बजे उठा है अभी सनी। ये तुम्हारे बिना देखो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो 11:30 बजे सनी उठा है। क्या लाया? खोलो तो पहले। कुछ है क्या? खोलो तो सही। तो घास है। ओह, ये कहाँ से लाए हो? अच्छा, ये देसी वाले हैं। हाँ। तो इसको ऐसे घास में रखते हैं? नहीं, वो गांव से लेके आए तो फूट जाएंगे। वैसे मैंने कभी नहीं खाया। अब खा के देखो। चलो, वो आगे है। कौन? मिस्त्री। काय का? आओ ना, घर बनाने वाला। हाँ। प्लेटफॉर्म बन रही है किचन में। फाइनली घर का काम कल से नहीं परसों से। हाँ। कल सामान आ जाएगा, परसों से काम स्टार्ट। देखो, आपने कल चाय पिलाने का वादा किया था, कल आप नहीं ले गए। घर जाना भरो, कहीं दूर ले चलो घुमाने। बड़े चौराहे ले चले। कोई घुमाने की जगह मौधा में बताओ सबको। एफिल टावर है यहाँ पे। अच्छा, अपने गिफ्ट्स खोल लो। हाँ, गिफ्ट ये तो तुमने गिफ्ट के लिए था सबसे पहले। हाँ, जो हमारी फूफी है उन्होंने दिया सनी को। ये लुगना पीजिए। हाँ, सनी की जो बहन की देवरानी है उन्होंने दिए। ये किसका है? अरे वाह, थैंक यू सो मच नेहा। थैंक यू हुरैन बेटा, जब तुम बड़ी होगी, जब तुम ये व्लॉग देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा। अल्लाह मोहम्मद। मुझे लग रहा है ये जलता भी है। शमा खाला का पहली बार गिफ्ट मिलने। बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच बाबू खाला और शमा खाला। ज़ारा एंड ज़ोया, पता नहीं है कि परफ्यूम वगैरह है क्या कुछ दी हुई है। हाँ, थैंक यू ज़ारा एंड ज़ोया सारा। अरे वाह, शगुफा रुबीना रहमीन की तरफ से प्यारी सी कटोरी है। तुम्हारे सनी भाई इसमें खाएंगे रोज खीर। नाम नहीं लिखा किसी का। ऐसी असली की दुनिया हो। हाँ, जन्नत होगी ऐसी। हाँ, हो सकती जन्नत। हाँ। ऐसी ये भी अच्छी है। थैंक यू बेटा जिसने भी दी है। स्माइल की है। स्माइल की काशिफा परवीन फरहान, ये उनका अरशद के बच्चों के हैं। अरे वाह, मोहब्बत है ये। इतने इतने से बच्चे हैं यार। ये रिहान की तरफ से। यहाँ मोहल्ले में भी रिहान है। हाँ, लोग सीनरी की शॉप खोल सकते है। पहलाने वाला हो जाए। बाहर से बिरयानी खा के आये हो ना? रोज कहाँ खाई बाबू? अब ये पूरी सब्जी खत्म करो। आज डिनर में लेट हो गया, हम लोग मार्केट चले गए थे और मेरे भूख। किसमें लेट हो गया? डिनर में नहीं, सॉरी। और ये प्यारे से लोग हमसे मिलने आए, छोटे छोटे बच्चे भी थे और बहुत ही अच्छे लोग थे। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फोटो है। बताओ ये कौन है आपका? भाई आज तुम्हारा कुछ नया नया पहना है? थोड़ी देर छत में घूमने आए थे। दो पतंग उड़ रही है, एक और दो। शौक है पतंग का? मैंने बहुत पतंग उड़ाई है फ्रेंड्स। पता है, पहले मैं पता था कि फोटोग्राफर कहते हैं, फिर मैं बहुत दिन बाद भाभी से सीखा, उसे बोलते हैं फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर। तो जब भी हम पहले बहुत अटकते थे, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, वो छोटा बोलना, टो बड़ा करना, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, हाँ, कोरियोग्राफर। ठीक है, जो भी है, हम तो लगी बोलो तो ट्राई कर। अरे कौन सा अपना काम। बदक भी आई है देख, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अभी हम जा रहे हैं माँ पापा के साथ बाहर। तो हम लोग आ चुके हैं। बड़ा ही अच्छा पचका हुआ। सनी सोचा था ये लोग जाए तो मैं अपने दोस्तों में जाऊँ। मैंने कहा कि तुम अभी कहीं नहीं जाओगे, तुम घर पे रहोगे, बिना कोई रहना चाहिए। घर पे बैठा दिया था इतनी देर से। हम लोग आधे एक घंटे से आए हैं। हम लोग गए थे बाजी के ससुराल, क्योंकि उनके जो ससुर उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग दुआ कीजिएगा वो अच्छे हो जाए जल्द। और अब आप जाओ। बोलो, 5 बजे से घर में बैठा हूँ मैं। 9 बज रहे हैं फ्रेंड्स, इस वक्त हम जा रहे हैं चाय पीने। लोग आगे बड़े चौराहा, 5 मिनट में आ जाते हैं। मौधा में कहीं भी ड्राइव पे जाना है, आप दूर जा ही नहीं सकते। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे अगर एकदम घड़ी देखो। और आप मैंने वादा किया था ना कि तुम्हें लेके चलूंगा। हां, सनी ने अपना वादा जो है वो निभा दिया है। थैंक यू सो मच। बताओ, बाहर जाने दोगे? नहीं जाने दोगे? अभी जाने देती हूं, मुझे बदनाम मत करो। सब गवाए, सनी के दोस्त भी गवाए कि खूब बाहर रहता है। अब बस ऐसा मुझे लगता है कभी कभी के साथ में ज्यादा देर हो तो हर एक का मन करता हूँ। तुमने कुछ नहीं खाया? बस क्या लाए? और सोन पापड़ी। 12 बजे ना सारा का बर्थडे लग जाएगा तो हम लोग केक ऑर्डर कर रहे हैं। क्या बना रहे हो? मैगी। ने कट किया है? नूडल्स बनाना, जैसे उबालना पड़ेगा। आपने कढ़ाई डाली, उसमें तेल डाला, टमाटर, प्याज, सारी चीजें डाली, मैगी डाल दी और उसके बाद उसका मसाला डाल दिया, पानी डाल दिया। हाँ, प्याज डाल दो पहले, धनिया डालोगे? पापा भी रात में 11:30-11 बजे खा रहे हैं। क्या कर बैठे हैं बेटा? हैप्पी बर्थडे बेटा। सलाम। केक कटिंग हो गई? नेक्स्ट डे हो गया है फ्रेंड्स। आज हमने खाए देसी अंडे और ये तैयारी हो रही है दिन के खाने की। फ्रेंड्स
गाइस मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं लूंगी अपनी मल्टीविटामिन। मैंने मल्टीविटामिन लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जितने विटामिंस और मिनरल्स की हमारी बॉडी को जरूरत होती है उतना हमें डाइट से नहीं मिल पाता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक मल्टीविटामिन जो है वो रेगुलरली ली जाए। और फ्रेंड्स हाल ही में हमने लेना स्टार्ट किया है एनवेदा का मल्टीविटामिन, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट विटामिंस एंड मिनरल्स है जो हमारी बॉडी को चाहिए रहते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3 एंड B12 है, एकदम सही अमाउंट में। एक टैबलेट डेली लेना है और घर के जो बड़े होते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। कैल्शियम के बारे में आप सबने सुना होगा, हमारे बोन्स के लिए तो अच्छा होता ही होता है, साथ साथ हमारे स्किन और हेयर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम स्टिमुलेट करता है फास्ट हेयर ग्रोथ को, हेयर की डेंसिटी को भी अच्छा करता है, साथ साथ हेयर फॉल कम करने में भी हेल्प करता है और जो हमारे स्किन का हेल्दी ग्लो होता है उसे भी प्रिजर्व करता है। तो अगर आप में से कोई हेयर थिनिंग या हेयर लॉस की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप अपने डाइट में कैल्शियम सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको बताना था, ये जो प्रोडक्ट है ये एकदम वेजिटेरियन है। एनवेदा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं GMP अप्रूव्ड प्लांट में और 30,000 से ज्यादा रेटिंग्स है सेटिस्फाई यूजर्स की Amazon एंड Flipkart में। एक टैबलेट पर डे लेनी है और ये एक बॉटल में 60 टैबलेट आती है, 2 का पैक आता है तो वो 4 महीने तक चल जाएगा। एक बॉटल का प्राइस है 255, अगर आप 2 का पैक लेते हैं तो वो आपको 425 का पड़ रहा है। और साथ साथ इनकी वेबसाइट पे जाके अगर मेरा कोड यूज करेंगे जो कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चाहिए एनवेदा की वेबसाइट पे, इनकी वेबसाइट चेक कीजिए, आपकी जरूरत के मुताबिक और भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपको कुछ जरूरत है तो अपने लिए ऑर्डर कीजिए। फ्रेंड्स बस एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर आप नर्सिंग मदर है या 18 साल से कम के हैं या फिर आपको कोई मेडिकल इश्यू है तो आप डाइटरी सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें। फिर उसके बाद दिन में मैं निकल गई बेटी खाला के घर जाने के लिए। बेटी खाला घर का कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बस एंड पे आ गया और ये एक और ऊपर की छत मिल गई है, इससे तो और ऊंचा दिख रहा है, तो पूरा मधा दिख रहा है। सही है, बन गया पेंट, पेंट करा 1 साल बाद। क्यों? फिर उसके बाद घर आ गए थे फ्रेंड्स और दिन भर कुछ ज्यादा व्लॉग नहीं शूट किया। क्या लाए हो? कॉफी। थैंक यू। इस वक्त रात के 10:30 बज चुके हैं। आज हमारी दिन भर थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, दिन में हम बेटी खाला के घर भी चले गए थे और अभी हमने फिर डिनर भी नहीं किया, कुछ खाने का भी दिल नहीं हो रहा था। अब लग रही है भूख, तो नीचे जाएंगे, खाना गर्म करेंगे और फिर खाएंगे और चाय भी बना लेंगे। कल हमको कानपुर भी जाना था लेकिन सनी ने कल का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि कल जो बाहर का जो कंस्ट्रक्शन अब स्टार्ट होगा उसका पूरा माल वाल आना है, तो वो सब कल बहुत सारा काम है ना, तो कल उसको सब मैं करवा के परसों चलते हैं, तुम्हारी शॉपिंग करवा देंगे शादी की और तुम्हें बिरयानी खिलवा देंगे। पहले बिरयानी खिलवा देंगे, फिर लस्सी पिलवा देंगे और तुम्हें टोस्ट भी दिलवा देंगे। हाँ, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा वहाँ से, तो वो चलेंगे क्योंकि सनी के जो बहुत ही खास दोस्त है फुरकान, उसके छोटे भाई की शादी है। वैसे कपड़े मेरे पास 1-2 जोड़ी यहाँ पे रखे हुए हैं जो थोड़े हैवी वाले हैं, हमने मुंबई में अभी जब गए थे ना फ्रेंड्स वहां से कपड़े खरीद लिए थे और सिलने भी डाल दिए थे लेकिन थोड़ा लेट हो गया सिलने में। और आज अब रिजा और धर्म दादा कुरियर करने गए तो उन्होंने बोला कि अब 4 दिन में आएंगे और शादी जब से स्टार्ट हो जाएगी। मुझे भी लेना है ना कपड़े। हाँ, और सनी को तो लेना ही अपने ब्लेजर रेजर टाई जो भी लेंगे। और क्या कहना था, हाँ आज सनी हमारे लिए टोपा लेके आया था। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे, तो बिना टोपा के काम चलने वाला नहीं है। आज पता है टेम्परेचर कितना जाएगा रात में? 3 डिग्री जाएगा। कहाँ जाएगा टेम्परेचर? हमें यही रहेगा, देखो मैं पकाऊ जोक तो मरती हूँ, मैं तो हूँ ही ऐसी, तो मरते रहना चाहिए। हंसा, देखो हंसे ना आप, खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। हाँ ऐसी, चाहे खुद जोकर बन जाओ। चलो अभी नीचे चलते हैं। क्या खाने है तुम बताओ? ये आपके फ्रेंड लाए थे। हाँ, आप लोगों को लगता हो कि सनी डांटता नहीं, हमेशा बहुत प्यार प्यार दिखाता है, क्या मैं नहीं पता चला सनी ने अभी मुझे क्या बोला है, जरा रिपीट करो। मैं कंटाप मारूंगा अगर अमरूद खाओगी रात में, तुम्हें खांसी आ रही है। तो सही किया ना, खांसी आ रही है। नहीं अगर तुम गलती करोगी, नहीं मानोगी ना, तुम्हारे अच्छे के लिए तो बोल रहा हूँ ना, तुम्हें डराने के लिए बोल रहा हूँ, मारूंगा थोड़ा। आज कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था और अच्छा हुआ ये रोटी सेकेंगे, खाओगे फिर वहाँ नियत मत लगाना। दो गर्म थोड़ा खा लो। चल के खाते हैं। बहुत सनी ने शॉर्ट्स पहने, आप पहने क्या हो? आप पहनो दीवाना है। सोन पापड़ी का दीवाना है। पेट भर गया या अभी और खाना है? क्या पेट भर गया, इंडिया मैच हार गई यार। तो तुम टीवी पे क्यों नहीं देख रहे? अब हार गई तो क्या देखूं टीवी पे? कैसे पता चलता है? 2 रन ये बना ईशान किशन, 51 बना है यादव ने और 65 ने, ये 65 में नहीं, अक्षर पटेल ने 65 बनाया है। 65 ने अक्षर, मतलब तुम्हारे हिसाब से 65 ने अक्षर पटेल बनाया है। ऐसा मग हमसे हमारे जो सब्सक्राइबर आए थे ना, आपने इस व्लॉग में देखा होगा, वो लेके आए थे। थैंक यू सो मच। कुछ भी कहो, कितना भी कोई सोन पापड़ी का मजाक उड़ाए, सोन पापड़ी है। खुश, अब हम
सनी के सर में ऑयल लगाएंगे। फ्रेंड्स बेचारे ऑयल की ना हालत खराब करके रखी। सबसे पहले तो वो जमा तो उसको ऊपर से काट दिया गया, अब जब वो और जमा तो उसे हीटर के सामने एक घंटा रखा कि उसने हार मान ली और पिघल ही गया। सबसे सुकून मिलता है ना। हाँ। सबा इब्राहिम अपनी बीवी होने का बेहतरीन वाला फर्ज निभा रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया, आज है 6 जनवरी और आज भी बहुत ज़्यादा ठंड है और जो ऊपर घर बनना है उसके लिए ये सामान आना स्टार्ट हो गया है। कौन आया? अमन, ये लाया अमन। बर्थडे गिफ्ट आपका दिल्ली से? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बर्थडे के लिए आया है, आपकी बीवी को दे दिया, एक ही बात है। और ये क्या? तो फ्रेंड्स अभी ये जैकेट मंगाई है दिल्ली से, ठंड बहुत है। अच्छी है। हाँ? हम लोग खा रहे हैं देसी अंडा, अम्मा ने बॉईल करके दे दिए, आग से धुआं हो गया। ये बताइए कर दे, आज नहीं चलेंगे कानपुर। कल कौन सी डेट है? 6 तारीख 7 और कल हल्दी है, तो हल्दी से पहले अपन आ जाएंगे ना। वो सब छोड़ो, आज 2 महीने कंप्लीट हो गया अपनी शादी के, वो ध्यान दो। वो मुझे ध्यान नहीं है। मुझे ध्यान था लेकिन मैं सोच रही थी मैं सरप्राइज दूंगी। दे दो सरप्राइज। तुमने क्यों पहले से बोल दिया? मुझे लगा कि अगर नहीं बोलूंगा तो बाद में लगेगा अच्छा बोला भी नहीं बेटा, मैंने बोल दिया, चिपका दिया। सनी का नाश्ता, खीर सुबह सुबह से मीठा, देसी नाश्ता आ गए पूरे। तो नहीं मोटा तो नहीं होगा? ठीक है, नहीं होगा। सनी जा रहे नमाज पढ़ने, आज आपने वो नहीं पहना कुर्ता, बहुत ठंड है बेटा। चले तो अस्सलाम वालेकुम, सारे लोगों को जुमा मुबारक। आता हूँ जुमा पढ़ती, दुआ करिएगा सबके लिए। क्यों ये कपड़े नहीं पहन के जाने थे? पूरे कपड़े कहाँ पे? खेत में। फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं खेत, वैसे आज प्लान था वहाँ पे पिकनिक करने का लेकिन ठंड बहुत है, खुश है जा रहा है खेत की कोई हद नहीं खुशी। हमारी शादी के 2 महीने हो गए ना, इसीलिए हमने ऐसे कपड़े पहने और ये सूट भूल गए। समझ में आया, तो हम विदा होके आए थे फिर हम चेंज करके नीचे नहीं आए थे, घर गए। नहीं 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 आगे मुझे आगे सच ऊपर गई। तुमने जब तुम्हें अपने कपड़े अपने तुम नीचे आई थी खाना वाना खाने के लिए तब तुम मेरा सूट पहना हुआ था, फिर हमने सोचा आज स्पेशल डे में ये पहन लेते हैं। वही मैंने कहा, मैंने साड़ी उतना लाल लाल पहन के सच के जा रही है, खैरियत तो है तुम्हारे लिए। इसकी लेस निकल गई है हमारे लिए। अभी जाएंगे खेत, वहाँ से घूम के आएंगे, जाएंगे हम मोबाइल लेने के, हमारा मोबाइल जो वो खराब हो चुका है तो हम सोच रहे हैं हम एक दूसरा फोन ले। आप लोग क्यों, आपके पास 13 है, 14 ले लो। नहीं 14 नहीं, 13 चेंज करोगे तो 14 नहीं, मैं 12 ही लूंगा। नहीं 13 के बाद इंसान 14 पे जाता है ना। मुझे आईफोन चलाने में अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही घूमना है। ऐसे लोग मुझे पत्थर मारने लगे। देखा जरा इन्हें आईफोन ऐसे दिखावा घूम रहे हैं। देखो ऐसे जैसे एक मौलाना तकरीर हुई थी। हाँ। तो बोले आईफोन आ गया तो पॉकेट में जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा। वो आईफोन आ गया तो बिल्कुल आदमी को ऐसे लिए घूम रहा है, कोई बाइक में ऐसे लिए घूम रहा है। अरे धूप निकल आई, चलो आप भी चल रहे हो ना, चलो। नहीं है आपको डर लग रहा था? हाँ यार मैं डर लग रहा था यार। कांटे थे ना रास्ते में, थे ना? देखो नहीं आया, नहीं आया। कैसा लग रहा खेत में आके? अच्छा, फोटो है? भी खींचेंगे, अभी समोसे खाएंगे सबसे पहले। बोलो मम्मी आगे पापा यहाँ से लगा के वहाँ तक देख ले, वो जाके घर दिख रहा है। ड्राइव करना मुश्किल था ना? हाँ तो अच्छा किया आपने, पहली बार हमने इतनी ऑफ रोडिंग देखी है, क्योंकि इससे पहले ट्रैक्टर में आया ना, कार में इतना अंदर तक नहीं आए कभी भी। ट्रैक्टर भी सही सलामत आ गया, ट्रैक्टर में तो नीचे होती है अभी तक के। ट्रैक्टर में भी उसमें मजा आता था। पापा कितना बता रहा है यहाँ से अपना। हाँ पापा को खुशी हो रही है। फिर गेहूँ क्या है? गेहूँ है। कब बड़ा होगा? बाली लगेगी जिसमें। हाँ। दाना होता है, ये बड़ा होके ऐसा हो जाएगा, सरसों का साग बनाएंगे। ये है बेल प्याज की, प्याज की महक आ रही है। हाँ ये तो वो है कच्ची प्याज, ग्रीन ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन क्या, तो यहाँ सारी प्याज लगेगी। नहीं नहीं ये खाली बेल है प्याज की, लगेगी पूरी खेत में उस तरफ। अच्छा समोसे खिला दो। मूली कहाँ है? मूली सो क्यूट, नहीं उखड़ रहा। अम्मी होती तो अभी खाने लगती। खाएंगे? पानी तो सही है, कितना गर्म है। क्या ठंडा है? फ्रेंड्स देखो ये मूली इतनी ताजी, ये इसका भी सब्जी बनाएंगे ना घर जाके। मूली का मुरे था। सांप बहुत बड़े हैं, सांप पीछे बहुत बड़े बड़े हैं, काले सांप। हाँ ये गेहूं लगा इस तरफ, गेहूं पूरा अपना आगे। हम अभी कहाँ जा रहे हैं? धसेंगे तो नहीं? नहीं धस वसूंगी नहीं।
मेथी की भाजी? हाँ मेथी की भाजी। ये मेथी नहीं लग गई? मेथी तो है ये। मेथी किसने लगाई है? पापा ने लगाई, तुम्हारा खेत है तो लगाएगा। अम्मी होंगी तो अम्मी तो और सब्जी पूरी तोड़ के ले जाती है, मूली भी खाने लगती है। आएंगी ना कभी? हाँ आएंगे। लहसुन मसूर की दाल ना, ये चने की भाजी है। खा के बता इसको, खाना और क्या है? चने की भाजी बहुत अच्छी है। पूरी जड़ नहीं तोड़ते इसको, पत्ती पत्ती तोड़ते हैं इसकी। ऐसे? हाँ ऐसे तोड़ो। नहीं ऐसे नहीं। उन्हें देख कैसे तोड़ रही है, देख ना, देख दुपट्टा पट्टा कैसे बांध के तोड़ रही है। छोटी छोटी ये बिना धोए खाई जाती है। ये कैसी लग रही है? ताजी। उखड़ गई ऐसे कैसे ना उखड़ेगी, वहां तो देख रहा हूँ। अब सनी उखाड़ के ही मानेगा। इसका क्या डायलॉग होता है? किसका? तुम किस खेत की मूली हो? पता नहीं, पूछना पड़ेगा। हरी सब्जियां तोड़ ली हैं ताजी ताजी, सरसों का साग बस अभी तोड़ना है। और आज हमारी शादी के 2 मंथ हो गए, तो उसके लिए भी कोई अच्छी मेमोरी के लिए फोटो भी क्लिक कर लेते हैं। सेकंड मंथ एनिवर्सरी के लिए सनी ने हमें ये दिया है। अच्छा गिफ्ट है ना? हाँ। देसी गिफ्ट, बिल्कुल देसी गिफ्ट। लारो फूल बरसाओ। खेत में आया मैं। मामा पापा को भी देखते जा रहे हैं। पापा तो नहीं देख रहे, डरता जा रहा है। पापा को भी बता दो कि 2 महीने हो गए। खा के देखो थोड़ा सा, ये सरसों का साग खा। कुछ भी मत खिला। सही खाते सभी? खा के देखिए। पूरे से सरसों का तेल चाट लिया। तो उल्लू बना दिया। ऐसे एक फोटो खींच दे। चले जी। तो सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेके जाते हैं अपनी अपनी वाइफ को, है ना, एनिवर्सरी में। हाँ। तो मैं तुम्हें अपने खेत लेके आया हूँ। तुम्हें अच्छा लगा ना? सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया। लेकिन अभी अम्मा कह रही आएंगे, फिर खाना भी बनाएंगे। हाँ इंशाल्लाह जिस दिन धूप निकलेगी, खुलेगा मौसम। हाँ। फिर सारे लोग आएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे और खाएंगे। दिन भर के लिए आएंगे यहाँ। समझदारी दिखा। थैंक यू। मजा आया ना? खूब मजा आया, खूब मजा आया। चल अब कहाँ बेटा? बस आ रहे हैं, बस 10 मिनट पहुँच रहे हैं घर। ये कहाँ से लाए पापा? पापा तुम्हारे लिए पक्का लेके आए होंगे, गारंटी है। पापा लेकिन भूल गए बुलाने के लिए। पप्पी की आज दावत भी है, तो बस वही थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं। और जैसे खेत से आ रहे हैं, वहां सनी का फोन आया, शालू कार की बुकिंग आई है, पास में महोबा जाना, भेज दे। हमने कहा भेज दो। कितने पैसे भरेंगे? 1000। रुको, बहुत ठंड है, बर्फ जम रही है हाथों की ठंड। आप उधर आ जाओ, आ जाओ, अपनी सारी चीजें बना रही है। आ जाओ बेटा। अरीबा करो, हाय करो, गुड गुड। आ जाओ अभी, आराम से खा बेटा, थोड़ा ही देर। आ जाओ, तुम तो बैठ जाओ, आओ जल्दी। पूरा वीडियो तुम्हें रटे हुए हमारे यहाँ। क्या क्या देखा वीडियो? बंदर और बंदर वाला देखा है, नीचे वाला देखा है, सब देखा। रात में भूख लगती है, किचन में जाते हैं, खाने सब रटा हुआ है। जाएंगे कहेंगे मुझे भूख लगी, जाना पड़ेगा नीचे खाने। जब यहीं सोएंगे, ठीक है? नहीं यहाँ नहीं, आपके रूम में सोएंगे। यहाँ तो गिर जाएंगे। अपने अपने रूम में सुला दो। आप तो रूम में चलेंगे। कहे कहे चलो चल रहे हैं, ठीक है दोनों, बाय बाय। हमने तो सारा खाना खा लिया और इतना सारा पैक करके भी दे दिया है पप्पी ने हमारे पापा के लिए। तो 2 दिन खाएंगे हम लोग, आएंगे फिर। ठीक है चलो, बाय बाय। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। चलिए फिर, अल्लाह आएंगे हम। अल्लाह तो ये था फ्रेंड्स हमारा 3 दिन का व्लॉग। 3 दिन का एक साथ व्लॉग बनाया, थोड़ा सा बिजी भी थे, थोड़ा सा लो था तबियत, तो इसीलिए हमने सारा व्लॉग एक साथ कर दिया। और आज बहुत अच्छा लगा, सनी खेत लेके गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शादी के 2 मंथ कंप्लीट हो गए। आप सबकी दुआओं से अल्लाह इस तरह हमारा साथ बनाए रखे। और आप लोग जो देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको भी साथ बनाए रखे, आपको हमारी तरह हमेशा खुश रखे। बस इस वीडियो को आपको क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आई लव यू। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।